राजस्थान के बारा छिपाब डौद उपखंड एवं तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत टांचा से ग्राम पंचायत अजनावर के बीच कुछ दिनों पहले हुए 6 किलोमीटर के पेचवर्क कार्यों में ठेकेदार द्वारा लीपापोती कर दी गई थी, जिसके कारण भगवानपुरा से ग्राम पंचायत अजनावर के बीच 1 किलोमीटर की दूरी में हुए पेचवर्क कार्यों की क्षेत्र में हो रही बारिश से पोल खोलकर रख दी गई है। ऐसे में राष्ट्रीय मानवाधिकार एंड एंटी करप्शन मिशन छिपाब टौत के ब्लॉक अध्यक्ष मनोज जारवाल ने मुख्य सड़क की समस्या को लेकर लिखा जिला कलेक्टर को पत्र। जारवाल ने बताया कि ग्राम टांचा से अजनावर के बीच लगभग 6 किलोमीटर का रास्ता है, जिसका जीर्णोद्वार हुए कई वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले एक ठेकेदार द्वारा पेच वर्क का कार्य किया गया था, जो कि बिल्कुल नहीं के बराबर था, मात्र 15 दिनों में ही बेकार हो गया। वहीं 1 किलोमीटर अजनावर से भगवानपुरा के बीच में ऐसे ही छोड़ा गया, वहां पर कोई कार्य नहीं किया गया, जिसके कारण मुख्य सड़क पर 1 फीट तक पानी भरा रहता है। राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कुछ दिनों पहले ग्राम भगवानपुरा में एनीकट की पाल टूटने के कारण एक व्यक्ति की पानी के तेज बहाव में बहने के कारण मौत हो गई थी। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को पत्र के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है कि तुरंत प्रभाव से प्रशासन द्वारा मौका मुआयना करवाकर इस गंभीर समस्या का समाधान कराया जाए। यदि प्रशासन द्वारा समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो राष्ट्रीय मानवाधिकार एंड एंटी करप्शन छिपाब डोद की टीम द्वारा उपखंड मुख्यालय पर धरना दिया जाएगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।